अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास ट्वेल्थ का जो टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ टूर कास्ट, इसमें हमने पिछले क्लास में मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए थे क्या क्या है। जब कोई टूर पैकेज या टूर आइटनरी जो है बनाई जाती है ना, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स का कॉस्ट, तो अलग अलग कंपोनेंट का जो कॉस्ट रहता है उसको नटचल में लास्ट पे मिला के एक टोटल कास्ट जो है टूर पैकेज का, जिसको हम कॉस्ट ऑफ पैकेज सोल्ड भी कहते हैं, बनाया जाता है। ठीक है, तो उन कंपोनेंट्स का हमने पिछली बार जो है उनके नाम लिए थे, यहाँ पे दिए गए हैं आपके इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। तो आज इन्हीं कंपोनेंट्स को हमें थोड़ा एलोबरेट करना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एक टूर पैकेज या टूर आइटनरी में लगते हैं। ठीक है, जो इनमें इन्वॉल्व होता है, जिसके ज़रिए से एक टूर पैकेज का कॉस्ट या टूर आइटनरी का कॉस्ट बनता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये एक पहला कंपोनेंट है। यानी मार्केट की रिसर्च की जाती है, मार्केट में जो है कस्टमर और की मोटिवेशन और बिहेवियर के जो हैं ज़राए पता किए जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिसके ज़रिए से मोटिवेट होते हैं कस्टमर्स, या उनका जो बिहेवियर है, या उनका जो ट्रैवल डिज़ायरस हैं, ट्रैवल बिहेवियर है, लाइक्स क्या है, वो एक रिसर्च की जाती है मार्केट में। ठीक है ना, उसके बाद एक टूर पैकेज जो कोई टूर आइटनरी या टूर ट्रैवल एजेंसी या कोई टूर ऑपरेटर कोई पैकेज या आइटनरी बनाता है, उसके बाद रिसर्च के बाद एक टूर प्रोडक्ट बनाता है वो। ठीक है ना, तो इस रिसर्च में, इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो कॉस्ट आता है, दैट ऑल्सो द पहला कंपोनेंट ये रहता है कि कंपोनेंट्स ऑफ टूर कास्ट में पहला कंपोनेंट रहता है कि रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जो इनका कॉस्ट आता है वो एक कंपोनेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफ़र, एक और कंपोनेंट है टूर कॉस्ट का। यहाँ पे इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरफेयर क्या रहती है, ठीक है ना, इंटरनेशनल एयर जो है चार्जेस क्या है, डोमेस्टिक क्या है, रेल ट्रैवल के लिए जो है चार्जेस क्या है। ठीक है ना, या जिसमें ये जो ट्रैवलिंग में आ रही है, एयरलाइंस है, रेलवेज है, ठीक है ना, ट्रांसफ़र एंड डिपार्चर टैरिफ्स क्या है, ठीक है, वो भी इंक्लूड की जाती है इस कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट पैकेज में। ठीक है ना, तो ये इनका भी एक अलग कॉस्ट बनता है, वो भी इस पैकेज टूर के कंपोनेंट में ऐड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अकोमोडेशन। ठीक है ना, मैंने पहले भी कहा था कि टूर कॉस्ट में मोस्टली क्या होता है, ट्रैवल और ग्राउंड सर्विस का जो है कॉस्ट ज़्यादा रहता है। ठीक है, इंक्लूड्स मोस्ट जनरली ये दो चीज़ें होती हैं। तो अकोमोडेशन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट है टूर जो है कॉस्ट पैकेज का। तो इसमें बुकिंग ऑफ रूम्स आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इनका 1/3 ऑफ टोटल कास्ट ऑफ पैकेज टूर रहता है। ठीक है ना, इट कंस्टिट्यूट्स 1/3 ऑफ टोटल कास्ट ऑफ पैकेज टूर। पैकेज टूर का जो जितना हिस्सा, उसका तीसरा हिस्सा, 1/3 हिस्सा एकोमोडेशन को जाता है, यानी उतना कास्ट इसमें लगता है। ठीक है ना, तो टूर ऑपरेटर जो होते हैं ना, बेस्ट इनके पास रेट्स मिलते हैं, रूम रेट्स, जब भी निगोशिएशन करते हैं अकोमोडेशन सेक्टर वालों के साथ, सर्विस प्रोवाइडर वालों के साथ, होटल्स वालों के साथ, उसके बाद जो उनको रूम्स देते हैं, किस रेट पर देते हैं, किस जो है नेगोशिएशन के बाद किस जो है एक कॉस्ट पे देते हैं, वो कॉस्ट भी इस कंपोनेंट ऑफ जो है टूर कॉस्ट में ऐड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद साइट सीइंग एंड एक्टिविटी। साइट सीइंग क्या है, टूर ऑपरेटर्स कुछ ऐसे अरेंज करते हैं, कुछ वैल्यू एडिड जो है एक्टिविटीज़ या एडिड सर्विसेज एक्टिविटीज ऐड करते हैं साइट सीइंग में, एक्सकर्शन टूर्स। ठीक है ना, उनका अलग कॉस्ट बनता है। ठीक है ना, उन कॉस्ट को भी ऐड करके इस कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट। टूर कॉस्ट जब कोई टूर पैकेज बनाते हैं, उसमें जो लास्ट एक कॉस्ट दिया जाता है टोटल कॉस्ट, उसमें किस तरह कॉस्ट दिया जाता है, किस किस कंपोनेंट का अलग अलग कॉस्ट रहता है। ठीक है, ये वही कंपोनेंट्स है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कॉस्ट है। एक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, इसमें पेमेंट ऑफ सैलरी आती है, जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती है, चाहे ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, टूर ऑपरेटर वाले हैं, वहाँ पर कितने बंदे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी को ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद उनकी अलाउंसेस क्या है, इंसेंटिव्स क्या है। ठीक है ना, उसके बाद ये भी ऐड किया जाता है किस में, टूर कॉस्टिंग में, टोटल में टूर का, क्योंकि टूर जब कोई पैकेज बनाता है उसमें जो लास्ट कॉस्ट किया जाता है, वो ये सारे कंपोनेंट्स में ऐड किए जाते हैं पहले, इनकी कॉस्ट को पहले ऐड किया जाता है। टेक्निकल कॉस्ट यहाँ पे दूसरा है, लाइक वाइज कोई नया सॉफ्टवेयर आया है, कोई नया हार्डवेयर आया है, कोई टेक्निकल जो है, कोई टेक्निकल कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा आया है, लाइक वाइज कंप्यूटर्स आए हैं, या इंटरनेट का 4G ब्रॉडबैंड 5G व्हाटएवर उनका इंस्टॉलेशन करना है, उसका जो कॉस्ट आता है हमारा टेक्निकल कॉस्ट में, वो कॉस्ट भी इस टूर कॉस्ट के कंपोनेंट्स में ऐड किया जाता है। ठीक है ना, तो आज इंशाल्लाह इतना ही पढ़ेंगे हम, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट पढ़े, आगे कल के टॉपिक में एक और जो है इसके कॉस्ट बचे हैं, वो अगले कल के टॉपिक में जो है हम पढ़ेंगे कि और क्या क्या कॉस्ट है जो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट जो एक टूर कॉस्ट में ऐड होते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज जो है ये टॉपिक आपको समझ आएगा। तो इंशाल्लाह कल इसका जो है लास्ट वाला हिस्सा जो हम आप तक पहुँचाएंगे ऑडियो क्लिप इस वीडियो के जरिए से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।